प्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिवीजन में आज हम पढ़ेंगे पाठ दो का भाग दो। कहानी का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। कहानी के पहले भाग में देखा अकबर को बीरबल बहुत पसंद थे, वो उनका बहुत मान रखते थे, पर जो उनके दरबार में ख्वाजा साहब थे वो बहुत से जो दरबारी थे वो बीरबल को पसंद नहीं करते थे। ख्वाजा साहब अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते थे, वो हमेशा ऐसा कोशिश करते थे कि बीरबल को अकबर के सामने नीचा दिखाया जा सके और उनको दरबार में से भगा दिया जाए। तो अब पाठ कहानी के दूसरे भाग में देखते हैं कि आगे की कहानी में क्या हुआ। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तीन सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें, उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे तीन प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके प्रश्न का उत्तर दे सकोगे? ख्वाजा साहब जो हैं वो अचकन कोट और पगड़ी पहन के दाढ़ी को सहलाते हुए अकबर के पास गए और सिर झुका के बोले, अकबर साहब, वो बीरबल बहुत बुद्धिमान बनता है, अपने आप को बुद्धिमान समझता है और आप भी उसके लंबी लंबी बातों को सुन के धोखे में आ जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो मेरे तीन सवाल आप बीरबल से तीन सवालों का जवाब पूछ लीजिए, जिससे उस आपको उसके दिमाग का पता चल जाएगा कि वो कितना ज्ञान रखता है और वो जो नकली अपने आप को बहुत अकलमंद समझता है उसका पोल खुल जाएगा। ख्वाजा के बहुत कहने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और बोले कि बीरबल, ख्वाजा साहब चाहते हैं कि तुम उनके तीन प्रश्नों का जवाब दो, क्या तुम उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पर ना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर बीरबल ने कहा, हाँ हाँ, हम उनके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। ख्वाजा साहब अपने तीनों प्रश्नों को लिख के अकबर को दे दिए और अकबर बीरबल से पहला प्रश्न पूछे, संसार का केंद्र कहाँ है, संसार का सेंटर कहाँ है? तो बीरबल तुरंत जमीन पे एक जगह छड़ी गाड़ दिया और बोले, इसी स्थान के चारों ओर दुनिया के बीचों बीच में, यही स्थान है जो चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच में पड़ता है। अगर ख्वाजा साहब को विश्वास नहीं है तो वो सारी दुनिया को नाप लें और उनको पता चल जाएगा कि यही केंद्र बिंदु है। फिर वो नहीं तो वो नाप के दिखा के और मेरी बात को गलत सिद्ध कर दें। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिन कर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पना, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो बीरबल ने क्या किया, जब वो
पूछे, उन्होंने अकबर ने दूसरा सवाल किया बीरबल से कि आसमान में कितने तारे हैं। तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाया और कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उनको गिन लीजिए, जितने भेड़ के शरीर में बाल हैं उतने ही तारे आसमान में होंगे। अगर ख्वाजा साहब को इसमें विश्वास ना हो तो वो भेड़ के बालों को गिन ले और तारों आसमान के तारों को से मिलाकर सही गलत का पता कर लें। फिर अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की दुनिया की आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है। बीरबल ने कहा जहाँ पना दुनिया में तो आबादी जनसंख्या है वो घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर एक मिनट पे लोगों का नया जन्म होता है और हर एक मिनट पे कितने लोग मरते हैं। इसलिए अगर दुनिया के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तभी हम उनको गिन के सही सही बता सकते हैं, सही सही संख्या बता सकते हैं। तो बच्चों, उन्होंने अकबर ने जैसे 3 प्रश्न पूछे उसका बीरबल ने इस प्रकार से उत्तर दिया। अब आगे की कहानी हम तीसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।